इस कार्यक्रम के प्रायोजक है सहेली एक्सक्लूसिव लेडीज़ वेयर बी रोड सरदारपुरा जोधपुर, गोयल हॉस्पिटल रेजिडेंसी रोड जोधपुर, पार्श्वनाथ कोल्ड ड्रिंक्स जलजोग चौराहा जोधपुर। महापौर साहिबा, लंबे टाइम से यूडी टैक्स की बात चल रही है, यूडी टैक्स से पैसा इकट्ठा करना है। इसमें समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ है कि भाजपा की जो महापौर यूडी टैक्स ज़्यादा इकट्ठा किया है, ऐसा कुछ है? एक्चुअली जो साउथ नगर निगम है उसमें रेवेन्यू के सोर्सेज ज़्यादा हैं, कमर्शियल एरियाज़ ज़्यादा हैं। हमारे पास इतने कमर्शियल एरिया और यूडी टैक्स वसूल करने के ज़रिए कम हैं, और यही कारण है कि हमारा जो टैक्स आया है वो दक्षिण के मुकाबले थोड़ा कम है। यूडी टैक्स वसूलने के जरिए जैसे जो हम टैक्स लेते हैं कमर्शियल और रेजिडेंशियल एरियाज़ में जो लेते हैं, वही हमारे पास छोटे मकान ज़्यादा हैं, रेजिडेंट 300 वर्ग गज से ऊपर हम लेना लेते हैं, उससे हमारे पास जो अंदर का जो ऐतिहासिक भाग मिला है हमें, उसमें ज़्यादातर मकान छोटे हैं, छोटे हैं, तो उन पे टैक्स बनता नहीं है। और कमर्शियल एरियाज़ भी हमारे पास एक नई पुराना एरिया, हाँ, और कमर्शियल भी हमारे पास एरिया बहुत कम है। बड़ी बिल्डिंग्स या आप बड़े टैक्स वसूलने की जगह दक्षिण में ज़्यादा है, सरदारपुरा पाल रोड इधर जो जो भी एरिया है जो कमर्शियल एरिया, हाँ, नया एरिया सारा इधर है। यही कारण है कि हमारे पास ड्यूटी टैक्स कम है। अच्छा कुंती जी, एक चुपता हुआ सवाल जो सभी अधिकारियों से पूछा जाता है निगम में आमतौर पर और महापौर से भी, कि जब भी कंस्ट्रक्शन होता है चाहे वो घरेलू है चाहे व्यावसायिक है जी, वहाँ से एक डीओ करता है, बिल्कुल आपने पैसा नहीं भराया तो डीओ करता है उसका, और डीओ निगम में जाता है जी, उसके बाद में उस पर कार्रवाई होती है। लेकिन बस मात्र डीओ कटता है, आप पता कीजिएगा 150 डीओ आपके भी कटे हुए पड़े होंगे, लेकिन उनमें से मुश्किल से किसी दो चार ने परमिशन ली होगी कंस्ट्रक्शन की, बाकी परमिशन लेते नहीं हैं और पैसा उठता है, और वो वार्ड प्रभारी और अतिक्रमण प्रभारी, ये दोनों नहीं, ऐसा मेरी जानकारी में तो नहीं है। हम ये कोशिश करते हैं हमारे प्रभारियों को और हम सब ये बाउंड करते हैं कि जहाँ कहीं भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसको हिदायत दी जाए कि भाई आप परमिशन ली या नहीं, या पता लगाया जाए। और वैसे लगभग कई लोग आते हैं हमारे पास परमिशन लेने के लिए और परमिशन दी भी जाती है, मेरी ऐसी जानकारी में नहीं है। और अगर ऐसा है तो मैं इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करूँगी अगर ऐसा हो रहा है। अगर मेरा निवेदन केवल इतना है कि मैडम आप अपने क्षेत्र में केवल वो डीओ मंगा लें एक दिन, और 10-20 डीओ जो है वहाँ आप खुद पहुँच जाए गाड़ी लेके, कि ये कंस्ट्रक्शन अगर 4-6 महीने चल रहा है और डीओ कट चुका है कार्रवाई क्या हो। बिल्कुल, मैं मेरे अधिकारियों के साथ बैठ के इस पर विचार करके और हम कार्रवाई करेंगे जी। अच्छा एक सवाल जो एज ए मतलब जैसे मैं यहाँ जोधपुर रहता हूँ जी, मेरे एक मन में है कि मानसिंह जी देवड़ा जो आपके फादर जी, उन्होंने अशोक उद्यान बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था, और मैंने जिन जिन से पूछा चाहे वो भाजपा के हैं कांग्रेस से, सब चाहते हैं कि मानसिंह जी की एक मूर्ति वहाँ लगे, आप क्या कहते हैं इस बारे में? ये तो जनता का प्रेम और उनकी भावना है जो बोलती है कि भाई उनकी मूर्ति लगनी चाहिए। वो मानते हैं कि उन्होंने जोधपुर के लिए बहुत कुछ किया, तो ये उनकी भावना है। अगर उनकी भावना है तो हम भी प्रयास करें और जनता खुद भी प्रयास करे तो निश्चित तौर पे मूर्ति लगेगी। मतलब इसके लिए आपको भी शायद आम जनता को भी लिख के सरकार तक ये बात पहुँचानी चाहिए। हम सब मिल के कोई भी काम बिना सहयोग के नहीं होता है, सभी काम सहयोग से ही होंगे। अच्छा एक निवेदन और कि हर क्षेत्र में जैसे दो टुकड़े किए आपके जी उत्तर और दक्षिण, इससे आम जनता को क्या फ़ायदा होगा? वार्ड छोटे होने से और वार्ड हर एक पार्षद ज़्यादा होने से मैं ये मानती हूँ कि विकास कार्य में कहीं ना कहीं सुधार आएगा। जहाँ एक बड़ा वार्ड होता था न तो प्रभारी ध्यान दे पाता था न पार्षद भी एक एक गली, अब छोटे वार्ड होने से कम गलियाँ होने से वो एक एक घर को पहचानता है और क्या काम है क्या विकास कार्य। जैसे हमने भी जैसे 80 वार्ड है तो 80 वार्डों में हर पार्षद को हमने 25 लाख कोटा निर्धारित करके विकास कार्यों के लिए उनको दिया है, और हमारे पास हमने टेंडर भी लगा दिए हैं और हर वार्ड में कार्य भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। चाहे सीवरेज की समस्या हो, चाहे सड़क की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे कोई सामुदायिक हॉल बनाने का की बात हो, चाहे कोई पार्क डेवलप करने की बात हो उस क्षेत्र की, तो मैं ये मानती हूँ कि वार्ड छोटे होने से विकास कार्य ज़्यादा अच्छे होंगे। इनिशिएटिव लोगों को तत्काल जो राहत चाहिए सुबह उठते ही वो होता है सफाई, साफ सफाई की होती है बिल्कुल। लेकिन अभी आप नज़र डालें तो आपको पता होगा हर वार्ड में, चाहे वार्ड छोटा हुआ फिर भी एक बड़ा क्षेत्र होता है, छोटे में भी 20-30 गलियाँ होती है, उनमें सफाई के लिए मात्र 5 कर्मचारी कई जगह। सफाई कर्मियों की हमारे पास
थोड़ी शॉर्टेज है, ये मैं मानती हूँ। हर वार्ड में ये समस्या आ रही है क्योंकि कई जगह क्षेत्रफल बड़ा होता है तो सफाई कर्मी कम हो गए। एक्चुअली एक वार्ड के 3 टुकड़े होने से सफाई कर्मी भी बट गए, उस वजह से ये समस्या आ रही है। पर इस कोशिश हम करेंगे कि बहुत जल्द इससे हम निजात पा लें और इसका कोई ना कोई समाधान हम जल्द निकालेंगे। इसके लिए क्या आप संविदा पर कुछ भर्तियाँ करने के वो हम सरकार से और हमारे बैठ के बात करेंगे, हमें इसका क्या सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं, तो देखते हैं कि क्या समाधान इसका निकल सकता है जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एक वो घंटी बजाने वाला, क्या बोलते हैं उसको, क्या, हाँ वो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे हर वीडियो, मेरी बात, मुलाकात, समाचार, फिल्मी बातें, राजनीति पर बातें और जो भी बातें हो आप तक समय समय पर पहुँचती जरूर हैं। क्यों, क्या आप नहीं चाहते कि आप मुझसे बात करें और मैं आपसे बात करूं? उसके लिए ज़रूरी है कि आप लाइक, शेयर, कमेंट एंड टिंग जरूर करें।